नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। झांसी में कुछ दिन पूर्व हुए कमलेश यादव हत्याकांड की तस्दीक पूरी तरह जारी है। पुलिस इस पर प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाए। हम मौजूद हैं इस वक्त झांसी के सिसवा इलाके में, जहां पीछे आप देख सकते हैं कि कमलेश यादव जी की पूरी ये जो है घर है, और हमारे साथ उनके परिवारजन भी मौजूद हैं, कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे इस मामले पर, आगे क्या पड़ताल चल रही है इस बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं। क्या नाम है? राजेश यादव सर। राजेश यादव जी, क्या संबंध रखते थे आप कमलेश जी से? सर भाई था, छोटा छोटा भाई था आपका। जैसा कि पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है, इससे आप संतुष्ट हैं? सर क्या संतोष है, अब आज 9 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा। हमको कुछ पता चले तो थोड़ी तसल्ली हो। 3-4 दिन से पेपर में भी और न्यूज़ पे भी करना बंद हो गया। जैसा कि ये तो स्पष्ट है कि ये जो घटना है वो सीधे तौर पर सनसनी फैलाने वाली घटना है, और हत्या ऐसे सीधे तौर पर कहा जाए तो क्या कुछ किसी पे शक, किसी पे शंका? अगर सर शक होती तो फिर नाम दर्ज नहीं है आप, मतलब अज्ञात में क्यों रिपोर्ट डालते? शक होती तो लिखवा नहीं देते सर उसको, उसकी किसी से बुराई थी ही नहीं। यानी कि सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो कमलेश जी बहुत ही व्यवहारिक थे, और जैसा कि सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि इस दुखद घटना के बाद लगातार लोगों ने पोस्ट की, उनके लिए अपनी भावनाएं प्रकट की, तो ऐसा ही कहा जाए कि बहुत ही सरल स्वभाव। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे स्वभाव का था सर। एक बार कोई उससे मिल ले तो उसका फ्रेंड हो जाता था सर। और ये अच्छा था सर, ऐसा भाई नहीं मिल सकता सर कभी। सिर्फ इतनी उसकी भूल थी कि सर बताता नहीं था मुझको कुछ भी सर। गांव आ जब से गांव से यहाँ आ गया था, जब से थोड़ा मतलब कम कर दिया था बताना सर। दोस्तन में जानता खुला मिला रहता था। एक दोस्त का नाम लगातार मीडिया में सामने आ रहा है उनके, इस बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें? किस दोस्त का? सौरभ सौरभ नाम बताया जा रहा है। सर। सौरभ सर ज़्यादा नज़दीक का था, मतलब वैसा साला मानता था उसको। वो सर उसको सब मतलब जो किसी को पता नहीं था, मेरे को कोई पता नहीं रहता, जो हर चीज़ उसको पता रहता था सर। बहुत ही नज़दीकी दोस्त बताए जा रहे हैं, और हाल ही में उनके साथ रहा करते थे, और ऐसा भी कहा जा रहा है कई मीडिया के संस्थानों द्वारा ये कहा गया कि वो उस वक्त साथ में थे। हाँ सर बोल रहा है, घर से पता चला कि लड़का भी बोल लिया था कि सौरभ मामा साथ में भी थे 1-1.5 घंटा से करीब, कुछ खा भी रहे थे घर पे। उसके बाद दोनों निकले यहाँ से, वो अपनी गाड़ी से निकला, वो अपनी गाड़ी से उसके बाद पता नहीं है 7:30 के लगभग बता रहा है कि निकले। मैं तो सर गांव था, और मुझको तो 10:15 के बाद खबर लगी, मेडिकल पहुँचा। तो जैसा कि सौरभ जो है उनको क्या पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है ऐसा कुछ? पुलिस ने अभी 5-6 दिन के लिए हिरासत में लिया था, और भी दोस्तों से पूछ पताई की थी, उससे भी की थी, लेकिन उसके बाद अभी सबको छोड़ दिया है। एक और सवाल गर्मा गर्मी कर रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया पर और पुलिस पर या परिवारजनों पर ये दबाव डाला जा रहा है कि इस मुद्दे को दबा दिया जाए, ऐसा कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सर ऐसा लग रहा है कि ना कोई सर नेता कुछ मतलब कुछ कोई बोल रहा है, ना कोई मतलब ऐसा कोई नहीं। मीडिया भी आज ही आप लोग आए, और तो मीडिया भी कुछ नहीं बोलना चाहती इसके बारे में। ना कप्तान साहब के पास मिलने के लिए गए थे, बंगला पर लेट हो गए थे, तब भी उन्होंने मना कर दिया था कि कल आके मिलना। आपका कहना यह है कि इस मामले को दबाना और टालना लगातार जारी हो रहा है? लग तो सर ऐसा ही रहा है इस हिसाब से। कोई बात नहीं, लुक मीडिया टीम यहाँ पहुँची है। जैसा कि आपने कहा कि कोई और मीडिया संस्थान यहाँ आने को राजी नहीं है, और इस मामले को तूल ना बनने से इसको दबाने की प्रयास किया जाए, परंतु लुक मीडिया टीम आज यहाँ आई। सर और राहुल था जो ग्वालियर का, उसने उस भी वो भी कह रहा है, मुकर रहा है कि क्रेशर में पार्टनर नहीं था, और इसमें उसके पूरे सारे दोस्त कह रहे हैं कि पार्टनर था, वो जमीन में भी पार्टनर था, उसमें भी पार्टनर था, लेकिन उसको सर पुलिस ने क्यों छोड़ दिया, उससे भी तो पूछ पताई किया जाए। कहीं ना कहीं इसे व्यावसायिक दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। चलिए, इस खबर पर हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, और पूरा प्रयास लुक मीडिया का रहेगा कि इस खबर को हम बार बार दिखाएं, और न्याय जब तक परिवारजनों को पीड़ित को नहीं मिल जाता, हम इस खबर पर बने रहेंगे। देखते रहिए लुक मीडिया।